दोस्तों जेएमडी डेन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इसका मेन पर्पज़ है टूल की सेंट्रॉइड हम कैसे चेक करें। टूल की सेंट्रॉइड चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट को जहाँ में पकड़ना होगा। जिस भी टूल की सेंट्रॉइड चेक करनी है उस टूल को हम फेस के ऊपर लेके आएंगे पार्ट के और यहाँ से फेसिंग करके देखेंगे तो सेंटर में हमारी पिक नहीं पड़नी चाहिए, न तो हमारा जो टूल है सेंटर से नीचे हो न ऊपर हो, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और पिक नहीं बननी चाहिए। अगर हमारा टूल सेंटर में नहीं आ रहा तो टूल के नीचे पैकिंग दे देंगे अगर नीचे रह रहा है तो। अगर हमारा टूल ऊपर जा रहा है सेंटर से तो क्या करेंगे, टूल को हम ग्राइंड कर लेंगे या टैरेट के अलाइनमेंट करेंगे। अगर हमारे टैरेट की अलाइनमेंट ओके है फिर भी हमारी सेंटर डिस्टर्ब आ रही है तो हमारे टूल की प्रॉब्लम पाएगी, या तो हम टूल को चेंज करेंगे या फिर अगर हम टूल को चेंज नहीं कर सकते, अगर हमारे पास टूल नहीं है तो टूल को हम ग्राइंड करेंगे या टूल के नीचे पैकिंग देंगे, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो इस हिसाब से अगर टूल की हम सेंट्रॉइड चेक कर लेंगे, अगर सेंट्रॉइड ओके कर लेंगे तो हमारी चैटरिंग की प्रॉब्लम है, वर्क की प्रॉब्लम है, चिप्स की प्रॉब्लम है, इंसर्ट लाइव की प्रॉब्लम है, इंसर्ट ब्रोकन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी हम सेटिंग लगाए टूल की सेंट्रॉइड जरूर चेक करें जब भी कोई टूल हमें नया मशीन में लोड करना हो।